अदालत की अवमानना कितनी महंगी होती है इसका अंदाजा सीबीआई के पूर्व अंतरिम डायरेक्टर एम नागेश्वर राव को आज पता चला होगा। जब सीबीआई के नंबर वन और नंबर टू अफसर के बीच लड़ाई चल रही थी तो दोनों को छुट्टी पर भेजकर सरकार ने नागेश्वर राव को सीबीआई का अंतरिम डायरेक्टर नियुक्त किया था, लेकिन अंतरिम डायरेक्टर के तौर पर लिए गए एक फैसले ने नागेश्वर राव को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के कोपभाजन का शिकार बना दिया। बिहार के चर्चित मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड की जांच करने वाली सीबीआई की टीम के अगुवा एके शर्मा का 17 जनवरी को सीआरपीएफ में तबादला कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में शेल्टर होम कांड की जांच चल रही है और सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को पहले ही आगाह किया था कि किसी अफसर का ट्रांसफर बगैर हमसे पूछे न किया जाए, लेकिन एके शर्मा का तबादला कर दिया गया जिसे चीफ जस्टिस ने अदालत की अवमानना माना। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि नागेश्वर राव की करतूत माफी लायक नहीं है। सजा सुनाते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि नागेश्वर राव कोर्ट की कार्यवाही चलने तक दिन भर अदालत में ही बैठे रहे, साथ ही 1,00,000 का जुर्माना भी सुप्रीम कोर्ट ने ठोक दिया। जैसे ही चीफ जस्टिस ने नागेश्वर राव को यह सजा सुनाई, अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल चौंक गए। वेणुगोपाल ने कहा, माय लॉर्ड, इन्हें माफ कर दीजिए, इनसे अनजाने में गलती हुई है और ये माफी भी मांग रहे हैं। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल की गुहार भी काम नहीं आई, उल्टे वेणुगोपाल को भी फटकार लग गई। चीफ जस्टिस ने कहा कि सरकार के पैसे से अवमानना के आरोपी का बचाव क्यों किया जा रहा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि 20 साल के करियर में मैंने किसी को अवमानना केस में सजा नहीं सुनाई, लेकिन ये मामला अलग है। चीफ जस्टिस ने यहाँ तक कहा कि नागेश्वर राव ने जो गुनाह किया है उसके लिए उन्हें 1 महीने तक के लिए जेल भी भेजा जा सकता था। चीफ जस्टिस की नाराजगी इस बात को लेकर ज्यादा थी कि जब लीग एडवाइजर ने कहा था कि एके शर्मा का ट्रांसफर करने से पहले सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देना होगा, तब भी नागेश्वर राव ने इसे नहीं माना। चीफ जस्टिस ने कहा भी कि नागेश्वर राव ये समझते रहे कि मुझे जो करना था कर दिया, किसी को बताने की क्या जरूरत। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती देखकर अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल और सीबीआई के पूर्व अंतरिम डायरेक्टर एम नागेश्वर राव समझ गए कि अब कोई दलील नहीं चलने वाली है और नागेश्वर राव निराश हताश कोर्ट रूम में किनारे जाकर बेंच पर बैठ गए। जब लंच ब्रेक हुआ और सुप्रीम कोर्ट के जज और बाकी लोग कोर्ट रूम से निकलने लगे, तब भी नागेश्वर राव बेंच पर बैठे रहे, क्योंकि सबसे बड़ी अदालत का आदेश जो था। मन महसूस कर सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम नंबर 1 में नागेश्वर राव लंच ब्रेक का वक्त काटते रहे। नागेश्वर राव किसके इशारे पर काम कर रहे थे? प्रधानमंत्री मोदी के। असली जुर्माना मोदी जी पर लगना चाहिए, ना कि नागेश्वर राव पर। सच्चाई ये है, हमें उम्मीद है कि आदरणीय मुख्य न्यायाधीश जी पर्दे के पीछे की इस सच्चाई को जरूर देखेंगे। लेकिन माफी मांगने की बात वो भी बड़ी चीज है। एक सीबीआई डायरेक्टर, एक्टिंग सीबीआई डायरेक्टर हो और वो माफी मांग लें सार्वजनिक, तो साधारण कोर्ट सिर्फ डांट दे। जिस मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड को लेकर यह सजा सुनाई गई है वो भी अपने आप में बेहद संगीन मामला है। बिहार के मुजफ्फरपुर के शेल्टर होम में 7 से 17 साल की उम्र तक की 34 नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण का खुलासा हुआ था। शेल्टर होम के संचालक और मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर के सियासी कनेक्शन तक सामने आए थे, जिसके बाद बिहार की समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा तक की कुर्सी चली गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को बेहद संजीदगी से लिया और सुप्रीम कोर्ट की सख्ती की वजह से ब्रजेश ठाकुर को जेल जाना पड़ा। पूर्व मंत्री मंजू वर्मा और उनके पति चंद्रशेखर वर्मा को सरेंडर करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट इस केस की जांच जल्द से जल्द पूरी होने के इंतजार में है और इस राह में रोड़ा बनने वाले किसी को भी माफ करने को तैयार नहीं, चाहे वो सीबीआई के बड़े से बड़े अफसर ही क्यों ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।